जर्नलिज्म गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये डीडी फ्रीडिश के ग्राहकों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट खास रहने वाली है। अगर आप भी डीडी फ्रीडिश के उपभोक्ता हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडी फ्रीडिश के दोनों वेरियंट सेट ऑफ बॉक्सेस के बारे में, जिसको हम MP EG2 के नाम से जानते हैं और MP EG4 के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है कि MP EG2 में और MP EG4 में क्या डिफरेंस रहता है, क्या फर्क है, तो उसके बारे में जानने के लिए ऊपर आपको आई बटन का लिंक जो है वो मिल जाएगा। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो जो है आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, उस पर आपको पूरी जानकारी इन दोनों सेट ऑफ बॉक्सेस के डिफरेंस के बारे में मालूम हो जाएगी। लेकिन ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इसका मकसद सिर्फ एक है, और वो ये है कि हमें आखिर बॉक्स कौन सा लेना चाहिए, क्या हमें MP EG2 का लेना चाहिए या MP EG4 का। लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको जब भी डीडी फ्रीडिश लगवाना है या फिर पहले से ही लगवा चुके हैं तो आपको MP EG4 का ही बॉक्स लगवाना है। जी हाँ, यहाँ पर आपको MP EG2 का बॉक्स नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है उसके बारे में भी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, और अगर आपको MP EG4 लेना है तो क्यों लेना है उसके बारे में भी आपको मैं इसी वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले, और साथ ही में इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, जो आप सेट ऑफ बॉक्स सामने देख रहे हैं ये है आपका MP EG2 का सेट ऑफ बॉक्स, और जो आपको मैं सामने दिखा रहा हूं ये है आपका MP EG4 का सेट ऑफ बॉक्स। अब दोनों सेट ऑफ बॉक्सेस को अगर हम यहां पर कंपेयर करने बैठ गए तो यहां पर बहुत ही वक्त निकल जाएगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें बतानी जरूरी हैं तभी इस वीडियो को बनाने का मकसद होगा। तो देखिए, यहां पर बताना चाहूंगा कि अभी जितनी भी जनता डीडी फ्रीडिश की MP EG2 का बॉक्स इस्तेमाल कर रही है उन्हें मालूम नहीं है कि MP EG4 में कितना फायदा है। ये जो बॉक्स है आपका डीडी फ्रीडिश का MP EG2 का, करीबन लगभग आप मान लीजिए 80-90% जनता आज भी MP EG2 का इस्तेमाल कर रही है। उसका कारण सिर्फ एक है और वो ये है कि हमें नॉलेज, जानकारी नहीं है MP EG2 और MP EG4 के फर्क के बारे में, डिफरेंस के बारे में। यही कारण है कि अधिक जनता जो है आज भी MP EG2 का ही इस्तेमाल करती जा रही है। अगर आज भी हम डीडी फ्रीडिश का नया कनेक्शन लगवाने की सोचे और दुकान के पास जाएं तो दुकानदार आपको आज भी MP EG2 का ही बॉक्स दे देगा, लेकिन आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि भाई ये मेरा बॉक्स कामयाब है अभी या नहीं। इसलिए जब भी आप शॉप पर जाएं और सेट ऑफ बॉक्स का चुनाव करें तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि हमें MP EG4 का ही बॉक्स लेना है। अब डिफरेंस जान लेते हैं। देखिए, अगर आप MP EG2 का बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें आप कम से कम सिर्फ 1000 चैनल्स को ही स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आप डीडी फ्रीडिश के अलावा और भी सैटेलाइट्स का चैनल इस बॉक्स में देखना चाहते हैं तो इसमें आप सिर्फ 1000 चैनल्स को ही स्टोर कर सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं। जबकि आपका MP EG4 का बॉक्स है उसमें आप जो है करीबन 4000 या फिर 5000 सेट ऑफ बॉक्स में जो चैनल्स को स्टोर आसानी से किया जा सकता है। इसकी बात करें तो इसमें ट्रांसपोंडर्स की कैपेसिटी भी काफी कम रहती है, और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ट्रांसपोंडर्स की जो कैपेसिटी है MP EG4 की वो ज्यादा रहती है, यानी फ्रीक्वेंसीज को भी आप ज्यादा MP EG4 में स्टोर करके रख सकते हैं। एक और बात जो है जो आपको MP EG2 में नहीं मिलती है, और वो ये है कि इसमें आप कोई भी MP EG4 का चैनल नहीं देख सकते, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो MP EG4 की चल रही है। जल्द ही MP EG2 की टेक्नोलॉजी है वो हमारे बीच बंद कर दी जाएगी, और उसके बाद आप सभी को आगे चलकर MP EG4 में ही शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए आपको मैं आज से ही कह रहा हूं कि आपको अपने बॉक्स को बदल लेने की जरूरत है। आज ही आप MP EG4 का बॉक्स जरूर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है आपको MP EG4 के चैनल्स भी मिल जाते हैं। MP EG2 के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो है इसके अंदर ये भी है, यानी MP EG2 जो है वो MP EG4 के अंदर भी मौजूद है। यानी इसमें MP EG2 के चैनल्स भी मिलते हैं MP EG4 बॉक्स में, और MP EG4 के तो मिलेंगे ही, साथ ही में से आपको हाई डेफिनेशन चैनल को देखने का भी मौका मिलता है। अगर आप इसका MP EG4 का हाई डेफिनेशन का बॉक्स लेते हैं, जैसे कि मेरे पास सॉलिड का 6363 है, ऐसे बॉक्स है जो सेट ऑफ बॉक्सेज है वो आपको MP EG4 में
हाई डेफिनेशन के भी मिल जाते हैं। अगर आप उसको चुनेंगे तो उसमें आगे चलकर आप हाई डेफिनेशन चैनल्स को भी देख सकेंगे। और वही अगर आप इसमें सी बैंड का सेटअप भी करते हैं तो करीबन आप 4 या 5 हज़ार चैनल्स को आसानी से स्टोर कर सकते हैं, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आती है। जबकि MPEG-2 में ना तो आपको हाई डेफिनेशन चैनल देखने का मौका मिलेगा, ना आप MPEG-4 के बॉक्स चैनल जो है इसमें देख सकेंगे, और ना ही इसमें आप 1000 से ज़्यादा चैनल्स को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके MPEG-4 के बॉक्स की बात करें तो उसमें जो आपको वाईफाई को कनेक्ट करने का मौका मिलता है, यूट्यूब तक को भी देखने का मौका मिलता है, जबकि आपको MPEG-2 के बॉक्स में बिल्कुल भी ये मौका नहीं मिलता है। इसके अलावा एक और कमी है जो कि आपको MPEG-2 के सेटअप बॉक्स में मिलती है, और वो ये है कि इसमें केवल आप डिस्क्यूसी 1.0 का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो डिस्क्यूसी स्विच जिसमें आपको केवल 4 ही पोर्ट्स मिलते हैं, यानी मैक्सिमम आप 4 ही DCs का इस्तेमाल कर सकते हैं, वही आप MPEG-2 के बॉक्सेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि MPEG-4 की बात करें तो MPEG-4 में आप डिस्क्यूसी 1.0 तो कर ही सकते हैं जिसमें 4 पोर्ट्स हैं, इसके अलावा डिस्क्यूसी 2.0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपको टोटल 8 पोर्ट्स मिलते हैं। तो करीबन अगर आप देखा जाए तो 8, 9, 10, 11, 12 डिवाइसेज 12 सैटेलाइट्स को आसानी से जो है आप MPEG-4 में देख सकते हैं, जबकि MPEG-2 में केवल आप 4 ही सैटेलाइट्स को मैक्सिमम देख सकते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस इन दोनों बॉक्सेस में हमें मिलता है। और यहाँ पर अगर हम डीडी फ्रीडिश के ग्राहकों की संख्या की बात करें तो मेरे ख्याल से 10 से 15% ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि अभी MPEG-4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, और MPEG-2 का करीबन 80 से 90% जनता है वो आज भी इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पर आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको जब भी सेट टॉप बॉक्स लेना है डीडी फ्रीडिश को देखने के लिए तो आपको MPEG-4 का लेना है, MPEG-2 का नहीं लेना है। उसका कारण देखिए ये है कि यहाँ पर जो है प्रसार भारती मजबूर है, क्योंकि प्रसार भारती क्या है हमें बिल्कुल भी इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। अगर उनका होम चैनल भी अवेलेबल है तो भी ये जो है ऐसा कोई भी प्रोमो हमारे बीच नहीं चला रहे हैं जिसमें हमें उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाए कि आपको MPEG-4 के बॉक्स में शिफ्ट हो जाना जरूरी है। हाँ, बेशक कभी कभी आपको ऐसे स्क्रोलिंग देखने को जरूर मिल जाती है कि आपको जो है इनके ऑथोराइज सेट ऑफ बॉक्सेस को लेना होगा, लेकिन वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं आपको जानकारी देता है कि आपको MPEG-4 का बॉक्स भी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को फायदा हो रहा है MPEG-2 में। और डीडी फ्रीडिश को मालूम भी है कि वो इतनी जल्दी अपने डीडी फ्रीडिश के सभी ग्राहकों को एकदम से MPEG-2 से MPEG-4 में शिफ्ट भी नहीं कर सकते, और यही मजबूरी उनकी बनी हुई है जिसकी वजह से ना तो वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं MPEG-4 टेक्नोलॉजी के बारे में, MPEG-4 लेटेस्ट सेट ऑफ बॉक्सेस के बारे में। कोई कंपनी को भी फायदा हो रहा है, डीडी फ्रीडिश के उपभोक्ताओं को जो चैनल देखने को मिल रहे हैं वो उसी में खुश है, लेकिन आपको मालूम नहीं है MPEG-4 में बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो फ्री टूर में देख सकते हैं अगर आपके पास सी बैंड का सेटअप है तो भी, और डीडी फ्रीडिश लगा हुआ है तो भी उसमें आपको MPEG-4 के करीबन बहुत से चैनल्स मिल जाते हैं, करीबन 20 से 22 चैनल्स और जो है डीडी फ्रीडिश में आसानी से MPEG-4 के जरिए देखे जा सकते हैं। बाकी आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, और अगर आपके पास अभी भी MPEG-2 का बॉक्स है तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।